जय हिंद ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? मैं जी नहीं हूँ ना। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट की थी? प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर ली थी, राइट? और आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 है फूड, राइट? तो फूड से पता चल रहा है कि ये बर्ड्स के बारे में, जब बर्ड्स होती है, फूड की आवाज आती है ना, तो ये बर्ड्स के बारे में ये चैप्टर है। तो टेक आउट योर प्रीवियस टेक्स्ट बुक एंड ओपन पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 निकालो जल्दी से। अभी मैं इसको रीड कर रही हूँ, आप लोग अपनी पेंसिल भी शार्प कर लो क्योंकि इसमें रिटन वर्क भी है। ओके, तो मैं रीड कर रही हूँ, आप सब भी मेरे साथ रीड करना। ऑन माय हैंड आई हैव अ क्रेस्ट, ऑल से आई डांस द बेस्ट, ऑफ माय फेदर्स आई एम प्राउड, बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड, राइट? मेरे हेड पे एक क्रेस्ट है, क्रेस्ट मींस मुकुट जैसी है, और मैं सभी कहते हैं मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ, मेरे फेदर्स बहुत सुंदर है और मुझे बहुत प्राउड फील होती है इसके लिए, और बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड, और रेन आने से पहले मैं बहुत शाउट करती हूँ। ठीक है, ये कौन है? कौन है? क्योंकि उसको रेन बहुत पसंद है और रेन आने पर डांस भी करती है, डांस भी करते हैं। कौन है ये? पीकॉक, राइट? देखो पिक्चर बना रखा है मैंने, पीकॉक की, ये पीकॉक है ना, यस और नो? यहाँ पे लिखो पिकॉक, वहां पे पिकॉक लिखने, पिकॉक मींस मोर, राइट? और सेकंड में हम लोग आ जाते हैं, सेकंड है, लिख लिया सबने? यहाँ पर आपको पिकॉक लिखने। सेकंड, लॉन्ग एंड रूफ इज माय टेल, हाई अप इन द स्काई आई सेल, आई पिक एंड ईट ऑल द माइस, द डैश इज व्हाट यू कॉल मी, लॉन्ग एंड रूफ इज माय टेल। ये जो ये टेल है उसकी ग्रूव्ड है, ऐसे 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 बनी हुई है, ठीक है, इस तरह बनी हुई है, लॉन्ग टेल होती है, और हाई अप इन द स्काई आई सेल, बहुत ऊंचा मैं उड़ता हूँ, आई पिक एंड ईट ऑल द माइस, और वो क्या खाता है? माइस खाता है, मतलब चूहे खा लेते हैं, चूहे को उठाता है और खा जाता है, ठीक है। द डैश इज व्हाट यू कॉल मी, मेरा नाम क्या है? यस, तो इस बर्ड का नाम है ईगल। ईगल बहुत ऊंचाई पे उड़ता है और वहां से उसकी आई साइट बहुत तेज होती है, वहां से वो देख लेता है चूहे को और एकदम से झपट्टा मारता है और उसको पिक करके ले जाता है और खा जाता है। तो फर्स्ट में क्या लिखोगे? पिकॉक, और सेकंड में लिखोगे ईगल, ई ए जी एल ई, ईगल लिख लो जल्दी से, थर्ड पर भी कर, ठीक है। My feathers are green, my beak is red, guava and green chili, I am fed. अब थर्ड में क्या है कि मेरी जो मैं थर्ड नंबर यहाँ पर ड्रॉ करके बता रही हूँ, मेरी जो चोंच है, बीक मींस चोंच, तो चोंच है वो क्या है? इसकी शॉर्ट टेल होती है, ऐसा होता है, और मेरी जो चोंच है वो रेड है, ये होती है बीक, ठीक है, ये बीक मेरी रेड है। चिल्ली मुझे बहुत पसंद है, मिर्च बहुत पसंद है, ग्रीन चिल्ली बहुत खाते हैं, गुआवा भी बहुत पसंद है। आई एम फेड, गुआवा एंड ग्रीन चिल्ली, आई एम फेड, आई लव टू कॉपी पीपल्स वॉइस, और मैं लोगों की नकल, लोगों की आवाज की नकल करता हूँ, ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं उसकी मैं नकल करता हूँ। आई कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, और बहुत ज्यादा शोर करता हूँ। तो मेरा नाम क्या है? यस, इस बर्ड का नाम है पैरट, PERROT, पैरट। ओके, तो आपको बीक नहीं लिखना है क्योंकि बीक मैंने समझाया है, बीक किसको बोलते हैं? इसे बोलते हैं, ठीक है, इसकी बीक रेड कलर की होती है, ग्रीन इसका बॉडी कलर होता है, रेड रेड चिल्ली बहुत, सॉरी ग्रीन चिल्ली बहुत पसंद है, और गुआवा बहुत पसंद है, और ये लोगों की वॉइस को इमिटेट करता है, नकल करता है, तो ये हो गए थर्ड पैरट, ठीक है। अभी फोर्थ में यहाँ बना रही हूँ, तब तक आप लोग पैरट लिखो। फोर्थ इज, yes, black are my feathers and black is my color, crow crow I do all day long, right? black meri color hai aur black meri feathers bhi black hai aur main din bhar crow crow karta rehta hu. kaun hai? yes, sabko pata hai crow, ye kaun hota hai? crow, ye kaun hota hai?
क्रॉप दिन भर चिल्लाता रहता है, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप। ये क्या है, क्रॉप, ठीक है। यहाँ लिखोगे CROW, क्रॉप, ठीक है। ब्लैक कलर की होती है, हो गई। देन थर्ड में होगी पैरेट, फोर्थ में क्रॉप। मीन्स जहां पर पैरेट बनी है उसके जस्ट ऊपर पैरेट लिखोगे और जहां पर क्रॉ है उसके जस्ट नीचे आप क्रॉ लिखोगे। डन, ओके। नाउ कम पेज नंबर 53। आई होप सभी कर लिया होगा यहाँ, ठीक है, कर लिया सभी। नाउ पेज नंबर 53 आपको ओपन करना है, रब कर दो, ओके। नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। पेज नंबर 53 में फोर वर्ड्स के बारे में बताया गया। 52 में वो फोर वर्ड्स पढ़ा हमने, 53 में फोर वर्ड्स के बारे में, राइट। कूकू इज माय सॉन्ग, एवरीवेयर आई एम फाउंड, माय स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम, दैट इज माय नेम। कूकू की मेरी आवाज है और मैं सभी जगह पाया जाता हूँ, मेरी आवाज बहुत मतलब फेमस है, कूकू की आवाज लोगों को बहुत पसंद है। तो क्या है उसका नाम, यस, देखो क्रॉ और जोड़ी होती है एक जैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होती है, लेकिन इसकी आवाज बहुत मीठी होती है, सुरीली होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यस, कुकू, कोयल, ठीक है। कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है, कुकू की आवाज करती है। ये नंबर है फोर हो गए, ये फाइव नंबर है, फाइव फर्स्ट वन, ठीक है, कुकू। नाउ उसके बाद पहले आप कुकू लिख लो, यहाँ पर लिख लिया सबने, यहाँ पर कुकू लिख लिया। नाउ सिक्स, दैट एनिमल्स आई डू ईट, मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट, हाई अप इन द डैश आई फ्लाई, वल्चर इज व्हाट आई एम कॉल्ड बाय। दैट एनिमल्स मैं खाता हूँ और मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट, जो डेड एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो उसको ये खा जाता, तो फिर हमारे जो सराउंडिंग, हमारे जो एटमोसफेयर है, सॉरी हमारे जो सराउंडिंग है वो क्लीन हो जाता है, राइट, ठीक है। क्यों क्लीन होता है, अगर डेड एनिमल्स ऐसे पड़े रहेंगे तो बहुत ज्यादा बदबू आती है ना, फिर उसमें जर्म्स भी आ जाएंगे, तो ये क्लीनिनेस का भी काम करता है, ठीक है, प्लेस को क्लीन एंड नीट बनाते हैं। और बहुत ऊंचा उड़ता है, वल्चर मेरा नाम है, ठीक है। तो हाई अप इन द डैश दिया है, तो यहाँ पर स्काई लिखना है, इसमें नेम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप स्काई लिखोगे, सिक्स नंबर, ठीक है। मैं इसमें ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सिक्स नंबर में आपको लिखना है स्काई, ये ब्लैंक के बीच में स्काई लिखना है, ओके। तो हाँ जल्दी से करो, फाइव एंड सिक्स, सेवन एट और नाइन, नाइन है, ठीक, जल्दी से करो, ओके, डन, ओके। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पेज, ये मैं रब कर रही हूँ, सेवन नंबर, सेवन नंबर में ये जो है ना पीजीएल, माय बिगेस्ट पेन फेदर्स एंड ग्रे, गुड टू गो आई गो ऑन ऑल नाइट डे, इन हाउसेस आई मेक माय होम, अ डैश इज हाउ आई एम नोन, माय बिगेस्ट पेन। अब पिंक कलर की बीक होती है, फेदर्स ग्रे होती है, गुटुरगु बोलता रहता है वो हमेशा, और हमारे घरों में ही वो अपना घर बना लेता है, घोंसले बना लेता है। तो मेरा क्या नाम है, यस, का नाम क्या है, क्या है इसका नाम, जल्दी से बताओ क्या नाम है, यस, ये है पिजन, PIGEON, पिजन, पिजन मींस कबूतर, कबूतर हमारे घर में बना लेते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, पिजन, PIGEON, पिजन, राइट, ओके। नाउ कम टू सेवन, ठीक है, सेवन ये वाली है, इस साइड सेवन, सेवन हो गई, सॉरी एट, माई ड्रिंक इज वेरी स्पेशल, आई यूज इट लाइक अ नूडल,
Stinging leaves I make by whom the dash bird is how I am. ठीक है, मेरी बीक बहुत स्पेशल है और बीक से वो नेटल का काम करती है और लीव्स को स्टिच करके, ठीक है, पत्तों को स्टिच करके वो अपना घोंसला बना लेता, अपना घर बनाता है। तो मेरा नाम क्या है? यस, टेलो बर्ड। ठीक है, ये मैं बना लेती मेरी थोड़ी सी ड्रॉइंग ऐसी होगी, बहुत छोटी सी होती है ये और पंख ऐसे 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 होते हैं, इसकी जो टेल होती है ऐसी होती है। ठीक है, ऐसी होती है। तो ये कौन है? टेलर बर्ड। क्या लिखोगे? टेलर, क्योंकि वो अपने घोंसले को पत्तों को सिल के बनाते हैं। तो हमारे कपड़े टेलर सिलते हैं, तो इसी के नाम पे ये टेलर बर्ड रखा गया है। ठीक है, यहाँ तक हो गई। नाइन नंबर में नीचे लास्ट वाली, इन ट्रंक ऑफ स्कूल्स आई मेक हिडन इंसेक्ट्स आई इनटेक टुक 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 आई वर्क ऑल डे द डैश इज व्हाट पीपल से। ट्रंक के होल्स पे मैं रहता हूँ, ठीक है, सॉरी ट्रंक में होल करता हूँ, जो ट्री का जो ट्रंक होता है ये है ट्री, ठीक है, ये ट्री होती है। तो ये जो ट्रंक है यहाँ पर वो होल बनाता है और अपने बीक से ही बनाता है, ठीक है, टुक टुक करते हुए पूरे दिन काम करता है, वहां होल बनाता है और उस होल पे ही वो रहता है। ठीक है, तो उसका क्या नाम है? यस, वुड पिकर। तो नाइन्थ वाला मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, वुड पिकर। ठीक है, नाइन पिक्चर नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, वुड पिकर लिख रही हूँ। ठीक है, लास्ट वाली वुड पिकर जो यहाँ पर फ्रंट पे है ना, लास्ट में वहां ऊपर कर। तो इतना लिख लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज करेंगे। ठीक है, वन पेज और रह गए हैं। ओके, आई होप सभी ने कर लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, नाइन नंबर का पिक्चर नहीं ड्रॉ किया, सिर्फ आंसर लिख दिया है। ठीक है, राइट, ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 54। पेज 54 में देखो एक ऑल बनी हुई है। ठीक है, व्हाई इज देयर सो मच नॉइज इन द जंगल। ऑल क्या बोल रहे हैं कि इतना नॉइज क्यों होता है जंगल में। आई जस्ट कैनॉट स्लीप, मैं सो नहीं पाता हूँ। डियर ऑल द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्फ एंड शाउटिंग। तो दूसरे एक बर्ड बोल रहे हैं कि वो सारे जो बर्ड्स हैं वो अपने आप को प्रेज कर रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए वो शाउट कर, क्योंकि वो अपनी अपनी अच्छाइयां बता रहे हैं इसलिए वो शाउट कर रहे हैं। तो ये हो गई यहाँ पर, ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर ली, ये कंप्लीट कर ली और यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब देयर वॉज अ मीटिंग ऑफ बर्ड्स ऑल हैज स्टार्टेड द टॉक। तो एक बार जंगल में मीटिंग हुई और ऑल ने बोलना शुरू किया। और कौन होता है? उल्लू, जो रात में जगता है और दिन में सोता है, इसलिए ऑल बोल रहा था कितनी नॉइज क्यों हो रही है, मैं सो नहीं पा रहा, बिकॉज रात को तो उसको जगना होता है, राइट। तो जो ऑल बर्ड है वो उल्टा करता है, रात को जगता है दिन में सोता है, लेकिन हम लोग दिन में काम करते हैं रात को सोते हैं। ठीक है, ना इट सेड वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज अब अक्रॉस। तो उसने क्या बोला कि हम सारे स्पेशल है, इतने शाउट देख के, इतना शाउट सुन के ऑल ने मीटिंग बुला लिया और ऑल ने सबको समझाया कि सब लोग स्पेशल होते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बताया कि सब लोग को एक स्पेशल क्वालिटी होती है सब में, ठीक है, उसी तरह बर्ड में भी स्पेशल क्वालिटी होती है। अवर क्लॉज बीक्स फेदर्स एंड साउंड्स आर डिफरेंट येट वी आर ऑल बर्ड्स। तो ऑल ने सबको समझाया, हमारे फेदर्स डिफरेंट होते हैं, हमारे बीक डिफरेंट होते हैं,
बीक मीन्स टूथ, फेदर्स मीन्स पंख, ठीक है, और क्लॉस, क्लॉस मीन्स पंजा, ठीक है। क्लॉस इसको बोलते हैं, ये जो पार्ट होती है ना बर्ड की, ये बर्डों में ठीक है, बर्ड की पार्ट में बता देती हूँ। ये क्या है, बीक है, और ये दोनों क्या है, क्लॉस है ये, ठीक है। पैर के पंजे को हम क्लॉस बोलते हैं। आगे थोड़ी से और अच्छे से ड्रॉ कर दो, ये क्लॉस हो गए और ये हो गए फेदर, राइट, और ये हो गया टेल। आगे से देखो तो बीक, फेदर, क्लॉस, टेल, तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, लेकिन सभी की स्पेशल है, इसलिए अपने आप को इस तरह प्रेज नहीं करना चाहिए हमेशा कि मेरे पास बहुत अच्छी चीज है। एंड साउंड्स आर डिफरेंट येट वी आर ऑल बर्ड्स, और सबके साउंड भी अलग है और लेकिन सब फिर भी हम लोग सारे एक जैसे हैं, क्योंकि हम सारे बर्ड्स ही हैं, बर्ड्स ग्रुप में आते हैं। इफ वी ऑल लुक अलाइक, एट द सेम फूड एंड मेड द सेम साउंड, थिंक हाउ डल द वर्ल्ड वुड बी। तब उल्लू ने ऑल ने बोला कि अगर हम लोग सब एक जैसे होते, सबकी आवाज एक जैसी होती, सबकी साउंड एक जैसे होती, सबकी फेदर्स एक जैसे होती, सब दिखते एक जैसे, सब खाते एक जैसे, तो कितना डल हो जाता दुनिया, राइट। हम लोग सारे डिफरेंट है, इसलिए हमें दुनिया बहुत अच्छी लगती है, सबको सबसे मिलना अच्छा लगता है, ठीक। तो अगर एक जैसे होते तो सारी चीजें बहुत डल हो जाती। तो एक होमवर्क मैं दे रही हूँ जो आप सबको करना है, बहुत ईजी होमवर्क है, राइट। विच ऑफ द बर्ड्स मेंशन्ड इन द लेसन हैव यू सीन राइट इन बुक्स, तो आपने यहाँ पर कौन कौन से बर्ड देखे हैं, सब के नाम यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। विच ऑफ द बर्ड मेंशन्ड इन द लेसन हैव यू सीन राइट देयर नेम्स, ठीक। तो बहुत इजी है, ये कर लेना, होमवर्क में दे देती हूँ। डू फिलर्स ऑफ पेज नंबर 54 इन टेक्स्ट बुक, क्या लिखना है, राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड्स, राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड्स, जो भी बर्ड्स आपने देखा है वो लिख लेना। अगर जो लेसन में मेंशन की गई है वो बर्ड्स आपने देखा है तो वो लिख सकते हो, या उसके अलावा भी जो बर्ड देखे हो वो लिख सकते हो, कितने नेम है, एक नेम से, तो ये कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ी सी और है रह गई है, वो हम कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।